नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आर्मी की जो अग्निवीर योजना है उसके तहत जो है आर्मी की वैकेंसीज निकाली जा चुकी है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो जो रहेगा वो है जो अग्निवीर है उसके एग्जाम पैटर्न को लेके, अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग एग्जाम पैटर्न है और अलग अलग सिलेबस जो है जारी किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2023 का यह जो है पहली अग्निवीर जो है भर्ती होनी है, टेक्निकल, जीडी टेड्समैन और क्लर्क के पदों पर आर्मी में भर्तियां निकली हुई हैं। एक महीने तक इसका जो है फॉर्म डेट है, आप भर सकते हैं इसको 15 मार्च तक। कब तक भर सकते हैं आप? 15 मार्च तक भर सकते हैं। 16 फरवरी से जो है इसका विज्ञापन जारी हुआ है। दोस्तों, पहले हम देखते हैं कि टेक्निकल के लिए जो है एग्जाम पैटर्न क्या है। पहले हम एग्जाम पैटर्न को देखेंगे, उससे हमारा जो है ये पता चल सकेगा कि हमें किस किस एरिया में क्या क्या पढ़ना है। पता चले कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हो और इंग्लिश आना ही नहीं है एग्जाम में। देखिए, जीके से कुल 10 क्वेश्चंस होंगे, ये टेक्निकल की बात बता रहा हूं मैं। जितने भी बच्चे टेक्निकल की फॉर्म भरना चाहते हैं या भर चुके हैं उनके लिए बता दूं कि जीके के 10 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन ये सभी पैटर्न के लिए है, एक क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे आपके। जीके के 10 क्वेश्चन होंगे, मैथ के 15 क्वेश्चन, फिजिक्स के 10 क्वेश्चन और केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन। इस तरीके से कुल मिलाकर आपको एग्जाम में 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि कुल 100 नंबर का आपका जो है प्रश्न पत्र होगा। और पासिंग मार्क्स यानी कि आपके 40 नंबर तो आने अनिवार्य हैं। अगर आप 40 नंबर नहीं लाते तो आप एग्जाम में फेल है, आपको मेरिट या फिर कट ऑफ से बाहर कर दिया जाएगा। ये हो गया टेक्निकल के लिए। अब मैं जीडी और ट्रेड्समैन के लिए बता दूं, जीडी और ट्रेड्समैन मुझे लगता है कि ज्यादातर बच्चे जो है जीडी या ट्रेड्समैन की ही तैयारी कर रहे होंगे, है ना। कुछ बच्चे होंगे जो क्लर्क की भी तैयारी करेंगे, उसको भी देखा जाएगा बाद में। देखिए, जीडी में जो है जीडी में जीके के कुल 15 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर। जीएस के जनरल साइंस, क्या सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस के कुल 20 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा। और वही मैथ की बात करें तो 15 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 15 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन होगा आपका 2 नंबर का। इस तरीके से कुल 50 क्वेश्चन, कितने 50 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में और 100 नंबर उसके लिए निर्धारित होंगे। और पासिंग मार्क्स की बात की जाए तो इसके लिए पासिंग मार्क्स जो निर्धारित किया गया है वो है 32 नंबर। और एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, जो एनसीसी होल्डर है यानी ऐसे बच्चे जो एनसीसी किए हुए हैं उनको जो है विशेष वरीयता प्रदान की जाएगी जीडी और ट्रेड्समैन के लिए। वरीयता ही नहीं बल्कि उनके लिए जो है कम नंबर पे ही उनका सिलेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों, एनसीसी वालों को इसमें बहुत ज्यादा फायदा होना है। दोस्तों, ये रहा हमारा जीडी और ट्रेड्समैन के लिए जो एग्जाम पैटर्न है। अगला हमारा जो एग्जाम पैटर्न होगा वो होगा क्लर्क का। दोस्तों, अब हम देखते हैं क्लर्क का जो एग्जाम पैटर्न है इसको जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, पार्ट 1 और पार्ट 2। पहले पार्ट 1 को देखेंगे, जीके के कुल 5 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे ना सभी के सभी जो है 4 नंबर के होंगे। जीके के 5 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का आपका होगा। जीएस की बात करें तो 5 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर के। मैथ के भी 10 क्वेश्चन आएंगे, सेम वही प्रोसेस है कि एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का होगा। सीएस यानी कंप्यूटर साइंस, सीएस मतलब कंप्यूटर साइंस जो है आपका 5 क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन 4 नंबर का। कुल मिला जुलाकर क्वेश्चंस कितने हो गए आपके? 25। कितने हो गए? 25 क्वेश्चन। और नंबर कितने हो गए आपके? नंबर हो जाते हैं 100 नंबर। और इस 100 नंबर में से आपका जो पासिंग मार्क्स इसमें रखा गया है वो रखा गया 32 नंबर। कितने? 32 नंबर होने चाहिए कम से कम एक पार्ट में, यानी कि पार्ट 1 की बात कर रहा हूं। और पार्ट 2 को देख लेते हैं, जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में जो है 25 क्वेश्चन होंगे। कितने? यानी कि 25 क्वेश्चन तो केवल ये पार्ट 1 के हैं, इतने सारे सब्जेक्ट मिला के 25 क्वेश्चन, और अकेले इंग्लिश जो है वो 25 क्वेश्चन का है। और एक क्वेश्चन जो है वह 4 नंबर के बराबर होगा और इसमें भी जो है पासिंग मार्क्स 32 नंबर रखा गया है। कितना रखा गया? 32 नंबर रखा गया है। ये तो एक पार्ट्स का हो गया पासिंग मार्क्स।
बट दोनों में मिला के आपके जो है दोनों का मिला के कम से कम 80 नंबर आने ही चाहिए। कितने? 80 नंबर आने ही चाहिए, तभी आपका जो है ये पासिंग मार्क्स निर्धारित किया गया है। कि मतलब कि 80 नंबर आपके जो है दोनों में मिलाकर होने चाहिए, यह अनिवार्य है। यानी कि 100 नंबर और 100 नंबर मिलाकर कितने हो गए? 200 नंबर होते हैं। इस 200 नंबर में से कम जो है 80 नंबर लाने ही पड़ेंगे एग्जाम में, तभी आप जो है पास होंगे और कट ऑफ और मेरिट के लिए एलिजिबल रहेंगे। दोस्तों ये रहा हमारा जो है आर्मी अग्निवीर एग्जाम पैटर्न 2023। उम्मीद है आपको सारे पॉइंट्स बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।